तो जी भाई आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। अभी आप देख पा रहे हो XUV700। अभी यहाँ क्यों खड़ी है आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर सारा क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा है, क्योंकि भाई इस पे होने वाला है PPF का काम जल्दी, क्योंकि कलर कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया कि इसके ये स्क्रैच से प्रोन है काफ़ी ज़्यादा, तो इस पे भाई PPF करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं वर्कशॉप पर एड्रेस वगैरह आपको सब देंगे कि PPF यहाँ होती है, यहाँ पे आपका सेरेमिक कोटिंग भी होती है, कवर वगैरह सारे काम होते हैं यहाँ पे आपके, अगर आप कुछ भी चाहें तो करवा सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी खाली खड़ी थी तो हमने इसकी वीडियो बना रही है, और बाकी आप कलर देख ही सकते हो। इस पर अभी डस्ट वगैरह आपको दिख रही है, वो आपको PPF होने के बाद कुछ भी नहीं दिखेगी। तो इसकी आगे आपको फ्रंट लुक दिखा देते हैं, ऐसी कुछ आती है ये, इसका कलर जो है कंपनी इसको कहती है मिडनाइट ब्लैक। अब मेरा जो एक्सपीरियंस था जब मैं बाहर से आया, जब इसमें लाइट नहीं थी हॉल में, इसमें लाइट वगैरह नहीं थी, तो ये कलर ब्लैक लगता है बिल्कुल सेम, लेकिन ये असल में है ब्लू और ब्लैक का एक मिक्सचर, जो कि आपको धूप में दिखेगा ब्लू और अंधेरे में दिखेगा ब्लैक। कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया भाई कलर की तरफ। बात कर लेते हैं इसकी चाबी की, चाबी इसकी ऐसी कुछ दिखती है, इसमें आपको बूट अनलॉक का फीचर लॉक और अनलॉक मिल जाता है। अब अनलॉक करके देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, लॉक करके आप देखें, अनलॉक करके देखेंगे इसके हैंडल जो है वो बाहर आ जाते हैं, इसमें प्रेस वाले हैंडल नहीं मिलते, लोअर मॉडल में आपको इसमें मैनुअली बाहर निकालने पड़ते हैं इसके हैंडल, और आप इसको ऐसे करके कुछ खोल सकते हैं, और ये काफ़ी ड्यूरेबल है, ये आपके टूटने वाले हैंडल में से नहीं है अगर आप सोच रहे हो। बाकी इंटीरियर ऐसा कुछ दिखता है, अभी इंटीरियर की तरफ भी आएंगे बात करेंगे इंटीरियर की। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इसके बैक की, बैक कुछ इसकी ऐसी दिखती है। बूट ओपन करनी है तो भाई इसका ये रहा स्विच, बूट आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो बूट अनलॉक हो जाती है। इधर आपका इसका सेंसर मिल जाता है, आप इसको दबा के इसको ओपन कर सकते हैं। फिर ऐसी कुछ इसकी स्पेशियस बूट मिल जाती है, इसमें आपका पीछे भाई सीट मिल जाती है जिसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं, और ये अगर आप फोल्ड करके चाहें तो इसमें आपको काफ़ी एक अच्छा बूट स्पेस मिल सकता है। इधर आपको टूल किट वगैरह मिल जाती है, और ये सारी सीटिंग वगैरह है, अभी आपको बैठ के दिखाएंगे आगे और पीछे दोनों की क्या कुछ स्पेस मिल जाती है। पीछे इसमें आपको एसी का वेंट भी मिल जाता है, जो कि फैन स्पीड एडजस्ट के साथ आता है। अब बाकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई महिंद्रा की है ही बहुत बढ़िया, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बूट आपको ऐसी कुछ मिल जाती है जिसमें प्लास्टिक कवरिंग सारी मिल जाती है, और पीछे की अगर बात करें तो इसमें आपको वाइपर भी मिल जाता है और डिफॉगर भी मिल जाता है। अब एक इसमें आपको ये कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे ये स्टॉप लैंप मिल जाता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और बाकी भाई इसमें रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं जो आपको बीप देंगे अगर आप कहीं भी ठुकने वाले होंगे। और इधर आपको फ्यूल लिड मिल जाता है, जो कि आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, और ये है पेट्रोल वाली, तो पेट्रोल वाली भाई क्या ही माइलेज देती होगी, लेकिन अब दिए भाई कंपनी तो लोग लेंगे ही इसको। भाई ऐसी कुछ मिल जाती है। टायर की प्रोफाइल की बात करें तो ये है भाई 265/60R18, मतलब 18 इंचेस, 265/60R18 का ब्रिजस्टोन का टायर मिल जाता है। अलॉय व्हील्स में आ जाते हैं, पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, और आगे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। सारे कंपनी जो है टायर प्रोवाइड करती है ब्रिजस्टोन कंपनी के। ऐसे ही कुछ भाई बाहर का सीन है, आपको रूफ रेल्स वगैरह भी इसमें मिल जाती है, और हाइट काफ़ी ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे कि मेरी हाइट कुछ कितनी है और ये कितनी बैठ जाती है इसकी पीछे की हाइट। आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि भाई क्या कुछ मिल जाता है इसका। आगे से इसकी फ्रंट ग्रिल ऐसी दिखती है, इसमें आपको सारा LED का सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर DRL वगैरह फॉग लैंप सब मिल जाते हैं इसमें। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, ऐसा कुछ अपना सीन मिलता है गाड़ी के अंदर। अभी इसमें PPF का काम शुरू हो चुका है जैसा मैंने बताया था। ये आपकी है भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट, और इसमें इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, इधर वायरलेस चार्जर आपको एक मिल जाता है देखने को, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इधर आर्मरेस्ट मिल जाता है, उसमें की होल्डर मिल जाता है आपको एक, और स्पेस के लिए भाई इतनी कुछ स्पेस मिल जाती है, और अंदर कूलिंग का भी फीचर है आपका इसमें अवेलेबल। तो ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग का लुक आ जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो भाई इसमें टेलीस्कोपिक नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है। तो ऐसा कुछ इसकी स्क्रीन मिल जाती है जिसकी आपको मैट फिनिश मिलती है, और काफ़ी अच्छी स्क्रीन है भाई इसमें, पूरी आपको डिजिटल स्क्रीन थ्रू द लाइन मिल जाती है। ऐसा कुछ आपको इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि भाई डीप तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक टैबलेट होल्डर आपको छोटा टैबलेट इसमें आपका जरूर आ जाएगा, ये ज़्यादा कंपनी डीप प्रोवाइड नहीं करती। ऐसे कुछ इसमें पैडल मिल जाते हैं भाई ऑटोमेटिक में, और ये एक डेड फुटरेस्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ सीन है भाई। और इधर ही कप होल्डर्स वगैरह सब मिल जाते हैं, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट वाली आपको सारी इसमें सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। ऐसा कुछ आपको इसमें विंडो का सेटअप मिल जाता है, जो कि चारों पावर विंडो आ जाती है, लॉक अनलॉक आता है, और इंटरनली एडजस्टमेंट आता है। इसमें मेमोरी आपको मेमोरी सीट का भी फंक्शन मिल जाएगा, जो कि सारी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। अब बात करें भाई इसके अंदर के माहौल की, तो भाई वो कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, इसमें डुअल टोन अंदर फिनिश मिल जाती है, सनरूफ में आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे एक स्पीकर इधर मिल जाता है, एक स्पीकर इधर मिल जाता है, आगे आपको इसका सबवूफर भी मिल जाता है, और ये काफ़ी भाई सोनी का सेटअप आता है इसमें, जो कि काफ़ी एक बढ़िया बात है कंपनी की तरफ से। और बात करें इधर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये आपको प्लास्टिक हल्का बहुत सॉफ्ट देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर सॉफ्ट नहीं है। तो ऐसे कुछ भाई आता है, स्पीकर्स वगैरह ट्विटर वगैरह सारे आ जाते हैं, सारा सोनी का सेटअप इसमें आपको मिल जाता है भाई, यही कुछ हिसाब किताब है। और इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है AX7 लग्जरी वेरिएंट, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, पेट्रोल में है ये, और ऑटोमेटिक और है भाई, सोने पे सुहागा वाली बात है। अभी आप इसको देख पा रहे होंगे कि भाई ये ज़्यादा तो नहीं चली है। सीट एडजस्टमेंट के लिए भाई आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये आप इसको आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं, ये आप इसको बैक रिक्लाइन कर सकते हैं इस वाली से, देख पा रहे होंगे आप सारा, और ये सारा अगर आप ऊपर नीचे इसको करें ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो ये हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ये हाइट एडजस्टमेंट की है और आगे पीछे की है, और ये आपका बैक, ये आप देख पा रहे होंगे ये चेयर की एक
पोजीशन में आपको मिल जाता है अगर आप ये चेयर को ऊपर करना चाहते हैं तो ऐसे, और अगर आप चेयर को आगे करना चाहते हैं तो ऐसे। तो काफ़ी अच्छी एक पोजीशन इसकी दी गई है। इधर बात कर लेते हैं भाई इसकी MID की, क्या कुछ मिल जाती है भाई। ऐसी कुछ MID इसकी मिल जाती है, स्टार्ट करके अगर दिखाएं आपको, स्टार्ट करने आपको इसमें स्विच प्रेस करने में सारे आपके मिरर्स वगैरह सब ओपन हो जाएंगे और ये सब आपका इसमें मिल जाएगा भाई। इसमें आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर अभी से ही दे रहा है, बल्कि गाड़ी पूरी स्टार्ट भी हमने नहीं करी है अभी भाई। ऐसी कुछ MID मिल जाती है आपको, सारा इसमें स्विचेस वगैरह इसके सब मिल जाएंगे। ये इधर MID का कंट्रोल मिल जाता है, आप अगर सेट करना चाहें तो इधर से सारा कुछ आप फंक्शन देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं स्विच पे कंट्रोल कर रहा हूँ सब कुछ। तो ये भाई ऐसा कुछ मिल जाता है, ये इसका वो है मेन्यू का ऑप्शन। तो आप यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन सेट कर सकते हैं। डोर ओपन अभी ये बता रहा है हमको, अगर हम ये स्विच दबाएंगे तो इधर के सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इस वाले स्विच से आप सारी एडजस्टमेंट देख पाएंगे। ड्राइविंग इन्फो वगैरह, अलर्ट हिस्ट्री सेटिंग्स वगैरह कर पाएंगे आप, डिस्प्ले का लेआउट देख पाएंगे। ड्राइवर असिस्टेंस भाई इसमें आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ इसमें सीन मिल जाता है। यही कुछ है भाई इसका मामला। और भाई काफ़ी एक अच्छी स्क्रीन दी गई है थ्रू आउट द लाइन, और ये भाई आप देख पा रहे होंगे काफ़ी एक बढ़िया सी चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इसमें अभी फिलहाल ये एंड्रॉइड ऑटो दिखा रहा है जो कि कनेक्टेड है किसी के से, जो ओनर है इनके उससे कनेक्ट हो चुका है भाई, ऐसा कुछ सीन मिलता है आपको इसका भाई। ऐसी कुछ इसमें आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आपको इसमें मिल जाता है। और एप्पल कार प्ले का फीचर अभी इसमें अवेलेबल नहीं है शायद, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो भी है नेविगेशन वगैरह ये सब दिखाता है इसमें। ये होम का बटन आपको सब मिल जाता है, आप इसमें भाई और भी चीज़ें देख सकते हैं जो भी आप स्वाइप करके देखेंगे। इसमें कनेक्टेड ऐप का फीचर्स वगैरह मिल जाता है, न्यूज़ अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको इसमें सब होता है, वो तो आजकल सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। अरे तो चढ़ा दी हमें, तो भाई अभी आप देख पा रहे होंगे आगे इसमें फिल्म भी चढ़ रही है, तो हैंड टू हैंड सारा काम हो रहा है इसमें। तो आपको अभी उतर के वो भी दिखा देते हैं। तो एक बार भाई आपको इसके म्यूजिक की साउंड जरूर से सुना देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये है NCS का टर्न इट अप म्यूजिक, जिसका आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलता, तो हम आपको इसको म्यूजिक सुना के दिखा देते हैं कि कैसी कुछ साउंड है। भाई ऐसी कुछ इसमें आपको साउंड इसकी देखने को मिल जाती है। साउंड भाई बहुत अच्छी दी गई है, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि खराब है साउंड। साउंड अगर आप सुनना चाहते हैं, आप एक डिसेंट म्यूजिक लिसनर हैं, अगर आपको ज्यादा शीशे तोड़वाने की आदत नहीं है, तो भाई बहुत अच्छी कंपनी साउंड प्रोवाइड करती है। लेकिन फिर भाई कुछ लोगों को आदत हमेशा होती है नुक्स वगैरह निकालने की। इधर वाइपर कंट्रोल्स आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, लाइट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, वाइपर भी इसमें आपको ऑटो का मिल जाता है, जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर होता है, ये आपको मैनुअल ही मिलता है डे नाइट IRVM। और भाई ये इधर कुछ टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता, और इधर आपको इसमें मिरर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी। अब भाई सबसे मेन बात करें सनरूफ की, तो सनरूफ भाई ऐसी कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है इसमें, हल्का कपड़ा नहीं दिया गया। तो भाई यही कुछ सीन है, अभी आपको ओपन करके नहीं दिखा रहे क्योंकि भाई बाहर है डस्ट इसमें। तो भाई ये ऐसे कुछ क्लोज होती है, आप इसका स्विच दबाएंगे और ये बंद हो जाएगी। भाई पैनारोमिक तो मिलती है, लेकिन बाहर अभी इसमें डस्ट हो रही है तो अंदर ना आए, तो वो अवॉइड करने के लिए हमने आपको इसका पूरा मामला नहीं बताया। भाई यही कुछ सीन मिल जाता है, और बाकी आपको तो दिखाई दिया, एक बार पीछे जाकर और दिखा देते हैं कैसा कुछ है। तो भाई इतनी कुछ आपको स्पेस मिल जाती है अंदर, मैंने आपको एडजस्ट करके दिखा दिया था। पीछे इसका AC वेंट्स भी मिल जाता है, एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और इन जो इसमें इंटरनल जो सारा फील दिया गया है वो एक लाइट टोन में दिया गया, जो जल्दी गंदा हो जाएगा, लेकिन लेदर फिनिश है तो शायद थोड़ा इतनी जल्दी ना हो जितना फैब्रिक गंदा हो सकता है। तो भाई ये सब सारा कुछ सीन मिल जाता है। पीछे इसमें आपको सॉफ्ट टच वाला इधर मिल जाता है मामला, और इधर सारी प्लास्टिक की फिनिश मिल जाती है। अब आपको दिखाते हैं भाई PPF का क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर। अभी फिलहाल इस पर हो रहा है रबिंग का काम, देख रहे होगे आप, ये सारी मशीन वगैरह इधर पड़ी हैं, क्लीनिंग वगैरह हो रही है और रबिंग हो रही है। जल्दी इस पर PPF की फिल्म का काम भी होगा। रबिंग कुछ ऐसे होती है भैया, करके दिखाएंगे अभी। अब इस रबिंग का काम क्या है कि ये सारी डस्ट जो भी जमी हुई डस्ट होती है ये सारी निकाल देती है, जो कि PPF में अगर आप चढ़ाते हैं तो उसमें बबल से प्रॉब्लम दे सकती है, तो इसका सारा काम होता है डस्ट निकालने का। बस ऐसा ही कुछ है, आपको जब PPF चढ़ेगी इस पर आपको इसकी भी वीडियो हम दिखाएंगे और क्लिप्स वगैरह सब अटैच करेंगे। अभी ये मॉडल है AX7 लग्जरी। अभी बोनट कवर के इस पर शुरू हो चुका है, बस सारा स्प्रे वगैरह का काम हो गया, अभी बस फिल्म लगना बाकी है, उसकी वीडियो अभी सारी आपको क्लिप अटैच करूंगा सारी। अभी सारा पूरे स्प्रे हो चुका है, एक स्प्रे रहता है जिसमें हल्का सा सोपी वाटर रहता है जिससे इजीली वाइप ऑफ हो चुका है सारा काम, बस स्प्रे हो गया और बाकी अब फिल्म लगेगी, तो आपको वो भी क्लिप दिखाऊंगा कैसे कुछ काम होगा। फिल्म अप्लाई हो चुकी है और बाकी अब सारा पानी वगैरह इसमें से ड्रेन कर दिया जाएगा और ये पूरी फिल्म इस पर स्टिक हो जाएगी। बाकी काम आपको कंप्लीट होने के बाद सारा काम एक बार दिखा देंगे कि कैसे कुछ कंप्लीशन हुआ है। भाई फिल्म का काम शुरू हो चुका है, ऐसे कुछ पानी वानी आप डालते हो इसमें सारा
तभी ये चिपकती है और नेचुरली इसको चिपकाने का बिल्कुल कोई गम वगैरह कुछ नहीं लगती है, जो भी काम होता है सारा पानी से होता है। भैया सारा करके दिखाएंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल सारा एड्रेस वगैरह आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। भाई नोएडा में काम होता है, काफ़ी अच्छी जगह काम है होता है भाई, ये बिल्कुल आपको ड्यूरेबल काम मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला। भाई आप देख पा रहे होगे अभी एज पे इसके खींच के काम हो रहा है सारा, जिससे ये निकले ना भाई ऐसी कुछ थिकनेस मिल जाती है इसकी। क्या लेवल होगा भैया इसका पीपीएफ का, क्या थिकनेस क्या है इसकी? भाई आप देख ही पा रहे हो बड़ी शिद्दत से काम होता है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। अगर आप नोएडा में अपना पीपीएफ और सेरेमिक का काम करवाना चाहते हो, आप ये सारा देख पा रहे होंगे पानी इसमें सारा ड्रेन कर दिया जाता है और ये स्टिक हो जाती है, आप देख ही पा रहे होंगे क्या फर्क आ जाता है। बिल्कुल सारा काम पानी से ही होता है, कोई ग्लू का चक्कर नहीं, पेंट रिमूवल का भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप सारे देख पा रहे होंगे कैसे कुछ काम हो रहा है। तो भाई इसमें 210 माइक्रोन की अभी जो है इसमें काम हो रहा है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, और भी इसमें थिकनेस लेवल्स आते हैं लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें ओनर ने ऑप्ट किया भाई वो 210 माइक्रोन का इसमें काम हो रहा है सारा। भाई एक बार ये चढ़ जाती है आपको इसका सारा दिखा देंगे। भाई बोनट का मेन काम तो ऊपर से हो चुका है, अभी आपके जो भी है टकिंग का इसमें सिस्टम रह गया है तक, ये सारी हो जाएगी अंदर सारी। आप देख पा रहे होंगे जो भी पहले फिनिश इसमें खराब थी वो सारी इस समय पेस्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन दे रही है इसमें, आपको स्क्रैचेस वगैरह जो है काफ़ी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी इसमें। पेंट तो आपका पूरा प्रोटेक्शन रहेगी इसमें, लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो इसमें तो ये फट वगैरह जरूर जाएगी, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। अभी टक वगैरह हो जाएगी तो बहुत अच्छी इसमें फिनिश आ जाएगी सारी। भैया बोनट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और साइड में इसके जो साइड का है डोर वगैरह का काम वो सारा फेंडर वेंडर का, अभी फेंडर का नहीं हुआ है स्टार्ट, अभी डोर्स वगैरह का सब स्टार्ट हो चुका है, फिर अभी फ्रंट डोर का काम हुआ है पूरा, इसमें कटिंग वगैरह होगी फिर और जगह काम होगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे सारा क्रोम वगैरह की कटिंग होगी, इसके ऊपर कोई भी आपकी फिल्म नहीं चढ़ेगी और हैंडल वगैरह का भी अभी सारा कट होगा। सारी पेस्टिंग वगैरह हो चुकी भाई, ऐसे कुछ इसमें पानी लगाया जाता है नीचे, हल्की सी एक इसमें फिल्म में एक स्टिकीनेस आती है उसको दूर करने के लिए और कि वो कहीं भी ना चिपके, उसके लिए पानी लगाया जाता है और वो अच्छे से बैठ जाए, उसको सारा निकाल दिया जाता है पानी को। और ये आप देख पा रहे होंगे ऐसी कुछ आती है, अभी सारी फिनिश हो जाएगी इसमें। फिर जिस पे भाई ऐसे कुछ इसमें टकिन हो जाता है सारा और इसमें आपको ये निकलेगा नहीं जब तक कोई जान के ना निकाले, तो अपने आप इससे तो बिल्कुल नहीं निकलने वाला, तो आप भी ट्राई करें कि इसमें कोई छेड़ाखानी ना करे, तो इसका काम खराब होगा ही होगा। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारीक इसमें कटिंग होती है, पेंट का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। हैंडल की भी अभी सारी कटिंग होगी क्योंकि इसके हैंडल थोड़े डिफरेंट आते हैं, इंडिया में पहली बार एक बजट सेगमेंट में ऐसे आपको हैंडल देखने को मिल रहे हैं। ये भी भैया इसकी होने वाली है भैया आगे की पीपीएफ लगने वाली है, इसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बम्पर का सबसे टिपिकल पार्ट होता है आगे, क्योंकि बम्पर में आपको कर्व्स वगैरह बहुत देखने को मिल जाते हैं, ये सारा कर्व और बाकी हेडलाइट्स के फॉग लैंप्स के सबके आपको कर्व्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें, ये इसलिए सबसे टिपिकल पार्ट होता है भाई बम्पर पे पीपीएफ लगाना। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा काम परफेक्शन से होता है, आपको सब दिखाने वाले हैं कि भाई कैसे कुछ इसमें पीपीएफ कवरिंग होगी। भाई पहली बार आप देखेंगे एक्सयूवी पे लगता हुआ एक पीपीएफ का रोल। भैया ऐसे कुछ बोनट के लिए इतना कुछ पीस काटा गया है, अभी सब लगेगा और इसकी पानी वानी सब स्प्रे करके जो भी काम होगा आपको सब दिखाया जाएगा। भाई ऊपर ऊपर से तो इस समय फिल्म चढ़ चुकी है सारी, अभी इसकी जब फिनिशिंग वगैरह सब हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे। रात हो चुकी है फिर भी भाई वर्कशॉप में भी काम चल रहा है और वीडियो का भी काम चल रहा है। पूरी हेडलाइट्स वगैरह बम्पर के कोना कोना सारा कवर होगा, पूरी आपको इस वीडियो में इसकी कवर फुटेज मिल जाएगी।
तो आप ये अभी भाई देख रहे हो कि इसमें सारा पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है, तो जिससे पेस्ट पूरी हो जाएगी। अभी इसकी कटिंग वगैरह सारी होगी, क्योंकि बोनट पे सबसे टिपिकल काम होता है पीपीएफ चढ़ाना। कर्व्स वगैरह आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली एसयूवी गाड़ी जो होती है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कर्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि रगेड बनाने के लिए कंपनी काफ़ी कर्व्स वगैरह देती है और क्लैडिंग वगैरह भी काफ़ी हैवी देखने के लिए मिलती है। भैया ऐसे कुछ कटिंग होती है। भैया इस पर आप हेडलाइट पे भी करने वाले हो पीपीएफ, या फिर हेडलाइट से नहीं होगी इस पर? होगी। तो अभी जो भी काम है वो सारा बम्पर का हो रहा है, फिर हेडलाइट में भी बाद में होने वाली है इसकी पीपीएफ। भाई एक बार आप काम की सफाई देखो, काम की सफाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि सफाई से काम किया जाए बिल्कुल। एक एक आपको कोना पूरा पीपीएफ टकिन मिलेगी, बाहर नहीं निकलेगी बिल्कुल भी। इसे हीट गन से सारा अच्छे से चिपका दिया जाता है, जिससे भाई कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। अभी इधर की सारी कटिंग वगैरह होगी, क्योंकि इस पे पीपीएफ नहीं चढ़ती है इस वाले पार्ट पे, क्लैडिंग वगैरह पे। बाकी इधर चढ़ गई, अभी हेडलाइट पे जब चढ़ेगी आपको वो भी दिखाऊंगा, बैक की भी दिखाऊंगा। बैक के भी अभी काम होना बाकी है। बाकी आपको मैंने बोनट का दिखाया था कि भाई काम हो चुका था, वो कंप्लीट है। अभी पूरा टकिंग वगैरह सब हो चुकी है, आप एक बार फिनिश देख लो। ये ऊपर जो है आपको सिर्फ डस्ट दिख रही है और कुछ नहीं। भाई अभी आपको ये जो दिख रही है सारी, ये प्रॉपर हीट गन से पेस्ट हो जाएगी। और आप एक बार शिद्दत देखिए, काम बहुत प्यार से किया जाता है, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपका काम बहुत, आपको बहुत बढ़िया काम मिलेगा, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हो। तो इसका भाई सारा काम फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, आपको सारा प्रोसेस वगैरह सब दिखा ही दिया था मैंने कि कैसे कुछ इसका सारा काम होता है। तो अभी इस पूरी कार पे फिल्म इस समय लग चुकी है, सारा कुछ कंप्लीट है इस कार में। जो भी है आप देख पा रहे होंगे, एजेस वगैरह इसमें सब अंदर टकिन हो चुके हैं, और हैंडल वगैरह की सब हर जगह कटिंग हो चुकी है, कोई निशान वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोनट का वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, सारा टकिन वगैरह होके देख सकते हैं आप, सारा इसमें टक हो चुका है। बाकी ये धूप में खड़ी इसलिए की जाती है क्योंकि जो हल्के फुल्के बबल रह जाएं तो वो निकल सकें, हीट की वजह से वो अपने आप निकल जाते हैं, उसको कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी भाई ऐसे ही कुछ काम है। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना है बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो ये जैसे हल्के फुल्के बबल्स हैं ये सारे, ये धूप की वजह से हीट की वजह से ये विद टाइम निकल जाते हैं अपने आप, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इतने हल्के फुल्के तो बबल रह ही जाते हैं क्योंकि पानी से सारा काम होता है। अब पानी तो आपको पता ही है धीरे धीरे अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।